आफ्टरनून टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हेयर। आज हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 6 ऑफ द सेक्रेटोरियल ड्यू डिलिजेंस के बारे में। इस चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे साइनिंग एंड सर्टिफिकेशन के बारे में। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के ओवरव्यू के बारे में समझते हैं कि एक्चुअल में इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं एंड एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि सर्टिफिकेशंस बाय द PCS। PCS के थ्रू कौन कौन से सर्टिफिकेशन वर्क है जो एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न की सर्टिफिकेशन के बारे में, विच इज द फॉर्म नंबर ऑफ MGT 8। देन द पेनल्टी फॉर द नॉन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। अगर आपने ROC का एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, हमें पता है कि AGM के 60 डेज में आपको एनुअल रिटर्न सबमिट करना होता है, ROC को फाइल करना होता है सर्टिफाई करवा के। अगर आपने फाइल नहीं किया तो उस केस में कंपनी के ऊपर एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट के केस में क्या पेनल्टी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं प्री सर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है। प्री सर्टिफिकेशन का मतलब होता है सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रोफेशनल, सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रोफेशनल्स लाइक अ कंपनी सेक्रेटरी फॉर द करेक्टनेस ऑफ द डॉक्यूमेंट। क्या आपका डॉक्यूमेंट करेक्ट है, उसमें कोई मिसलीडिंग या फिर मिस इन्फॉर्मेशन चीज़ें तो नहीं। इस चीज़ को करेक्ट सर्टिफाई करना, इसकी करेक्टनेस को सर्टिफाई कौन करता है, कोई भी प्रोफेशनल्स करता है। बिफोर द सबमिटिंग सच डॉक्यूमेंट टू द अथॉरिटी, बिफोर द अथॉरिटी, उसी को प्री सर्टिफिकेशन बोलते हैं। सो प्री सर्टिफिकेशन मीन्स अ सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट ऑफ द करेक्टनेस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स बाय द प्रोफेशनल्स लाइक अ कंपनी सेक्रेटरी बिफोर द फाइल विद द रजिस्ट्रार्स एंड चेक द करेक्टनेस ऑफ द डॉक्यूमेंट। इफ एनी डिफेक्टिव और एंड एनी कंप्लेन द डॉक्यूमेंट प्रोवाइड गाइड फॉर द कंप्लीशन। देन जो अगर कोई डेफिशिएंसी है डॉक्यूमेंट में तो जो प्रोफेशनल्स होता है वो गाइड करता है इस डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं वेरियस सर्टिफिकेशन बाय द PCS। PCS के थ्रू कौन कौन से सर्टिफिकेशन है जो एक PCS कर सकता है। सबसे पहला है फॉर्म नंबर INC 21, 22 एंड 28, विच इज सर्टिफाइड बाय द प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। CHE 149, MSC 134 एंड और निधि कंपनी के लिए NDH 123। देन बात करते हैं DIR 3 एंड DIR 3 KYC जो कि डायरेक्टर्स को सबमिट करना होता है एट द MC की बोर्ड पर, जिसको सर्टिफाई करना होता है पहले, प्लीज PCS सर्टिफाई करवाना होता है। अटेस्टेशन ऑफ द फोटो ID प्रूफ एंड रेसिडेंस प्रूफ बाय द CSCS CMA। नेक्स्ट एनुअल रिटर्न को सर्टिफाई करवाना होता है MGT 7 में, एनुअल रिटर्न को सबमिट करते हैं सर्टिफाई MGT 8 में होता है, साइन बाय द CS। इफ नो CS देन द प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से आपको सर्टिफाई करवाना होता है। देन बात करते हैं लिस्टेड कंपनी या फिर ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका पेड शेयर कैपिटल 10 करोड़ एंड मोर है। कोई भी लिस्टेड कंपनी या फिर ऐसी कंपनी जिसका पेड शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर हो एंड टर्न ओवर 50 करोड़ एंड मोर, उस केस में आपको PCS सर्टिफाई करवाना पड़ेगा आपके एनुअल रिटर्न को इन द फॉर्म MGT 8। एंड रेगुलेशन नंबर 40 ऑफ LODR बात करता है कि हाफ ईयरली सर्टिफिकेट भी आपको PCS से सर्टिफाई करवाना है कि आपने सारे इशू जो डॉक्यूमेंट थे सर्टिफिकेट जो आपने इशू किए विद इन द 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ही आपने इशू किया है। नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलेशन नंबर 24A ऑफ LODR बात करता है कि आपकी जो भी मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडी कंपनी उसको सेक्रेटरी ऑडिट करवाना होता है, उस सेक्रेटरी ऑडिट को भी सर्टिफाई करवाना होता है बाय द PCS के थ्रू सर्टिफाई करवाना होता है, और सेक्रेटरी ऑडिट का जो रिपोर्ट होता है वो MR 3 में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉलोइंग ई फॉर्म विच इज फाइल बाय द कंपनी विच इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर द OPC स्मॉल कंपनी के इसमें एप्लीकेबल नहीं होता, जो GNL 1 बाय द PCA PCS PCA में सर्टिफाई करवाना होता है, विच इज अ होल टाइम इन प्रैक्टिस। DPT 3 ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी के लिए MGT 10 बाय द PCS से होल टाइम PCS से आपको सर्टिफाई करवाना होता है। एंड AOC 4 विच डील्स विद एनुअल अकाउंट और प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट आपको सर्टिफाई करवाना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं साइनिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न के बारे में। एनुअल रिटर्न को साइनिंग एंड सर्टिफिकेशन के लिए एडवाइजेबल यही होता हमेशा कि आपको एक कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना है या फिर PCS से आप ये काम करवा सकते हो। साइनिंग एंड सर्टिफिकेशन करते टाइम जो PCS है कुछ डॉक्यूमेंट्स डिमांड कर सकता है कंपनी से before the certifying the annual return of the company, the conducting the verification PCS can ask the necessary informations and document MOA of the company sorry minutes of the meeting shareholders
पैटर्न एंड फॉर्म एंड रिसिप्ट ऑफ द फॉर्म एंड रिसिप्ट फाइल टू द ROC अटेंडेंस ऑफ द रजिस्टर्स लिस्ट ऑफ द प्रमोटर्स एंड लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग अप्रूवल फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज कॉपी ऑफ लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड स्टैचुटरी रजिस्टर्स एंड एक्सेट्रा डॉक्यूमेंट जो है PCS डिमांड कर सकता है एट द टाइम ऑफ सर्टिफाइंग द एनुअल रिटर्न। नेक्स्ट बात करते हैं साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। MGT 7 में एनुअल रिटर्न को साइन किया जाता है एंड सर्टिफिकेशन के लिए MGT 8 का फॉर्म होता है। OPC एंड स्मॉल कंपनी केस में साइनिंग कौन करता है एनुअल रिटर्न? CS साइन करेगा। अगर कंपनी में CS नहीं है तो देन डायरेक्टर साइन करेंगे। अदर कंपनी केस में डायरेक्टर एंड CS साइन करते हैं एनुअल रिटर्न को। अगर कंपनी में CS नहीं है तो आपको PCS से करवाना है, CS वहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न के बारे में। सर्टिफिकेशन का जो फॉर्मेट है वो MGT 8 में, साइनिंग का जो फॉर्मेट है वो MGT 7 में है, सर्टिफिकेशन का जो फॉर्मेट है वो MGT 8 में गिवन है। एवरेज लिस्टेड कंपनी एंड एवरी पब्लिक कंपनी जिसका पीडीएफ शेयर कैपिटल 10 करोड़ मोर है, टर्न ओवर 50 करोड़ मोर है, उनको PCS से MGT 8 में अपने एनुअल रिटर्न को सर्टिफाई करवाना है। एंड विद द फॉलोइंग रिस्पेक्ट कि आपने जो आपका जो भी रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स आपने प्रॉपर मेंटेन किया है, एडवांस लोन टू द डायरेक्टर्स, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ट्रांसफर ऑफ द अनपेड अमाउंट्स एंड अनक्लेम डिविडेंड टू द इन्वेस्टर, एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड रिलेटेड बाई ट्रांजेक्शन एंड अरेंजमेंट अंडर द सेक्शन 188 एंड क्लोजर ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स एंड सिक्योरिटी होल्डर, अल्ट्रेशन ऑफ द MOA AOA, इशू एंड अलॉटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ ट्रांसमिशन एंड और बायबैक ऑफ द सिक्योरिटीज, ये सारी चीज़ें आपको सर्टिफाई करवाना होता है इन दी फॉर्म एंड इन दी एनुअल रिटर्न। किससे सर्टिफाई करवाना होता है? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से, इन दी फॉर्म MGT 8 में। ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको सर्टिफाई करवाना होता है बिफोर द फाइलिंग एनुअल रिटर्न टू द ROC। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्लिगेशन एंड पैनल प्रोविजन्स। CS मस्ट टेक केयर वाइल द सर्टिफाइंग द एनुअल रिटर्न इन एनी फेलियर लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द PCS में अराइज द पेनल्टीज। अगर CS जो सर्टिफाई करता है उसको टेक केयर करना, अच्छे से एनुअल रिटर्न को सर्टिफाई करना, अगर वो कोई भी सर्टिफाई अच्छे से नहीं करता या फिर कोई भी फेलियर होता है उस केस में उसको सेक्शन नंबर 447, 448 एंड 449 ऑफ द कंपनी एक्ट में लाइबल होगा। एंड इसके साथ आप कंपनी सिक्योरिटीज एक्ट 1980 में भी लाइबल हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पेनल्टी अंडर द सेक्शन 92 में भी आप लाइबल हो सकते हैं। सेक्शन 92 ऑफ द कंपनीज एक्ट विच डील्स विद द एनुअल रिटर्न्स के बारे में, जो कि फाइन 50,000 विच मैक्सिमम 5 लाख एंड ऑल्सो पनिशेबल अंडर द सेक्शन 447, 448, 449 ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड अंडर द CS एक्ट 1980 में आप अगर ऑफेंस अगर फर्स्ट स्केड्यूल से रिलेटेड है तो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन एंड सेकेंड स्केड्यूल से रिलेटेड है डिसिप्लिन कमेटी में आ जाएगा। और बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन क्या कर सकती है? आपको रिप्रीमेंड कर सकती है, आपका नेम रिमूव कर सकती है फॉर द 3 मंथ और आपकी फाइन इम्पोज कर सकती है आपके ऊपर 1 लाख तक का। एंड अगर आपका जो केस है अगर डिसिप्लिन कमेटी के पास है तो आपको रिप्रीमेंड कर सकती है, आपका नेम रिमूव कर सकती है परमानेंटली एंड आपको ऊपर फाइन इम्पोज कर सकती है 5 लाख तक का। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द नॉन फाइलिंग। अगर आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया 60 डेज में, AGM के 60 डेज में आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है, AGM के 30 डेज में आपको AOC 4 फाइल करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर आपने फाइल नहीं किया और उसे क्यों, तो उस केस में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? सबसे पहला आप कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द नॉन फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न, डायरेक्टर्स के ऊपर 10,000 रुपये का मैक्सिमम फाइन, कंटिन्यूस फेलियर अगर है तो 100 रुपीज़ पर डे विच मैक्सिमम 50,000, कंपनीज के ऊपर भी 10,000 रुपीज़ का फाइन एंड कंटिन्यूस फेलियर 100 रुपीज़ पर डे विच मैक्सिमम 2 लाख। अगर कंपनी ने अगर रिटर्न फाइल नहीं किया, एनुअल रिटर्न नहीं फाइल किया कंटिन्यूस 5 ईयर्स तक अगर कंपनी ने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया उस केस में कंपनी को वाइंड अप भी किया जा सकता है बाय द ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट बात करते हैं अगर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया फॉर द मैक्स 2 ईयर्स, किसी भी ईयर में 2 साल अगर आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, लास्ट प्रीवियस 2 ईयर्स में अगर आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया उस केस में आपकी जो कंपनी है इनएक्टिव टर्म कर दी जाएगी, आपकी कंपनी में टैग लग जाएगा इनएक्टिव कंपनी का ऑन द MCA पोर्टल। ठीक है, अगर आपने कंटिन्यूस 2 साल तक किसी भी लास्ट प्रीवियस ईयर में एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपका कंपनी को डोरमेंट कंपनी का टैग लिख जाए, डोरमेंट कंपनी शो कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगर इन केस ऑफ डायरेक्टर, अगर आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया फॉर द कंटिन्यूस 3 ईयर्स तक एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया तो आप इन एलिजिबल हो जाएंगे अपॉइंटेड एज अ अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर। अगर 5 ईयर्स तक आपने कंटिन्यूस एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया डायरेक्टर के केस में, इफ़ द फॉल्स स्टेटमेंट मेड इन द एनुअल रिटर्न लेवल अंडर सेक्शन 447।
दैट्स इट फॉर द चैप्टर नंबर सिक्स. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर सेवन ऑफ द ड्यू डिलिजेंस विच डील्स विद द सेगमेंट वाइज रोल ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज के बारे में बात करते हैं. चैप्टर नंबर सेवन सेगमेंट वाइज रोल ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के ओवरव्यू के बारे में समझते हैं. चैप्टर में एक्चुअल में पढ़ने के वाले सबसे पहले चैप्टर में देखेंगे कि इस चैप्टर में मोस्टली हम कवर करेंगे कंपनी सेक्रेटरी क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या वेरियस अपॉर्चुनिटी है कंपनी सेक्रेटरीज के लिए. या तो वो एम्प्लॉयमेंट में जा सकता है या तो वो प्रैक्टिस कर सकता है. एम्प्लॉयमेंट एंड प्रैक्टिस के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंपनी सेक्रेटरी कैन डन. सबसे पहले देखेंगे कि या तो कोई भी कंपनी सेक्रेटरी जस्ट अ सेकेंड CS इन प्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट हो सकता है या फिर CS इन प्रैक्टिस हो सकता है या फिर अदर सर्विस प्रोवाइडेड बाय द CS. इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले CS इन प्रैक्टिस आप क्या क्या काम कर सकते हो और एज अ एम्प्लॉयमेंट आप क्या काम कर सकते हो एंड अदर सर्विस कौन कौन सी सर्विसेज CS कैन प्रोवाइड. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपनीज एक्ट एज अ ब्रिज फॉर द इंफॉर्मेशन एंड फॉर द ब्रिज फॉर द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड एडवाइस एंड आर्बिट्रेशन बिटवीन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट्स एंड बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स एंड एडवाइस. कंपनी सेक्रेटरी एडवाइस द चेयरमैन टू इंश्योर द बोर्ड मीटिंग्स एंड मैनेज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. अपॉर्चुनिटी क्या है CS के लिए, PCS का भी एज अ PCS काम कर सकते हो आप या फिर CS इन एम्प्लॉयमेंट भी काम कर सकते हो. सबसे पहले बात करते हैं CS इन एम्प्लॉयमेंट में. सेक्शन नंबर 203 ऑफ द कंपनीज एक्ट बात करता है रेड विद द रूल 8A ऑफ द कंपनीज एक्ट. एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी पब्लिक कंपनी एंड और प्राइवेट कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर उस केस में शेल कंपनी हैव होल टाइम CS. उस कंपनी के पास एक होल टाइम CS होना चाहिए और होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी एज अ KMP. नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन. सेक्शन 203 बात करता है MD, CEO, CFO एंड CS को KMP में कंसीडर किया जाता है. सेक्शन 203 बात करता है कि कोई भी कंपनी किसी भी कंपनी का MD, CEO, CFO और CS कंसीडर्ड एज अ KMP की मैनेजर पर्सनल. फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ द CS सेक्शन 205 डील करता है फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी. सेक्शन 205 रीड विद द रूल 10. नेक्स्ट बात करते हैं रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करेगा अबाउट द कंप्लाइंसेस विद द वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन एक्ट एंड एप्लीकेबल टू द कंपनी एंड इंश्योर करेगा डेट द कंपनी इज कंप्लाइंग विद द वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन विच इज एप्लीकेबल ऑन द कंपनी एंड कंपनी इज कंप्लाइंग विद द सेक्रेटरी स्टैंडर्ड ऑल्सो एंड टू प्रोवाइड द गाइडेंस टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिस्पेक्ट ऑफ द देयर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स एंड टू कन्वे द बोर्ड मीटिंग जनरल मीटिंग क्लास मीटिंग एंड मेंटेन द मैन्यूट्स एंड ऑल्सो मेंटेन द मैन्यूट्स ऑफ द दीज मीटिंग्स एंड टू ऑब्टेन द अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द बोर्ड मीटिंग एंड जनरल मीटिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड फ्रॉम द अदर अथॉरिटीज एंड टू रिप्रेजेंट द कंपनी बिफोर द वेरियस रेगुलेटर्स एंड अथॉरिटीज एंड डिफरेंट रेगुलेटर्स एंड टू असिस्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स in conduct of the affair of the company and to assist and advise the board in ensuring the good corporate governance good corporate governance. next baat karte hain CS as a compliance officer regulation number LODR ka regulation number 6 baat karta hai ki CS as a compliance officer as a listed company mein hona chahiye. to aisa CS as a compliance officer SEBI LODR makes it necessary for the listed company to appoint a qualified company secretary as a कंप्लाइंस ऑफिसर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग वर्क. कंपनी सेक्रेटरी का लिस्टेड कंपनी के लिए मैंडेटरी है कि आपको लिस्टेड कंपनी में एक कंप्लाइंस ऑफिसर अपॉइंट करना है कंपनी सेक्रेटरी एज अ कंप्लाइंस ऑफिसर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंश्योरिंग द कंप्लाइंस एंड इंश्योरिंग द कंप्लाइंस विद द रेगुलेटरी प्रोविजन एंड एप्लीकेबल टू द लिस्टेड कंपनी इन द लेटर एंड स्पिरिट एंड इंश्योर द करेक्टनेस correct procedure which is followed to maintain the correctness and authenticity of the information and to coordinate with the reporting to the board of directors stock exchange and depositories se coordinate karega and unko reporting bhi karega and to monitor the email address grievances for the redressal division of the listed entity for the purpose of registering the complaint by the investors. so, ye tha provision and CS इन द एम्प्लॉयमेंट के. नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा सा प्रोविजन है CS एज अ पार्ट ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट. CS एज अ पार्ट ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट होता है कोर मैनेजमेंट जो होता है टॉप मैनेजमेंट उसमें CS को भी इंक्लूड किया जाता है. नेक्स्ट बात करते हैं फ्रॉम
सॉरी सी एस एक्ट एज अ सी एस टू एक्ट एज अ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनीज एंड इट्स बोर्ड, ऑब्वियसली बात है। एंड एन सी एल टी में भी एज अ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आप अपॉइंट हो सकते हो, बिफोर बिफोर द एन सी एल टी, बिफोर द सी सी आई, बिफोर द सैट, आर ओ सी, कंज्यूमर फोरम, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी, क्वासी जुडिशियल बॉडीज एंड ट्राइब्यूनल्स। नेक्स्ट बात करते हैं सी एस एन प्रैक्टिस के बारे में। सी एस एक्ट एज अगर आप प्रैक्टिस एज अ प्रैक्टिस काम कर रहे हो, कंपनी सेक्रेटरी पी सी एस काम कर रहे हो, तो आप सेक्रेटरी ऑडिटर काम कर सकते हो, रजिस्टर्ड वैल्यूअर काम कर सकते हो, एक्सपर्ट टू एक्ट एज ए वैल्यूअर पर्सन। किसी भी पर्सन को अगर रजिस्टर्ड वैल्यूअर का काम करना है तो उसके लिए या तो सी एस सी एस सी एम ए होना चाहिए, आई सी ए आई, आई सी एस आई, आई सी एम आई का मेम्बरशिप होना चाहिए, या फिर एम बी ए, या फिर पी जी डी बी डी डी बी एम इन फाइनेंस होना चाहिए, फिर मास्टर्स इन फाइनेंस होना चाहिए, एंड 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन द डिसिप्लिन। एंड द पर्सन शुड नॉट बी द माइनर नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए फॉर द रजिस्टर्ड फॉर द टू बी अन अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर एंड नॉट टू अप्लाइड एज अ कोर्ट। या तो वो बैंकरप्ट भी नहीं होना चाहिए, माइनर भी नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड भी नहीं होना चाहिए, या तो उसने कोर्ट को अप्लाई भी नहीं किया होना चाहिए कि बैंकरप्सी के लिए वो पर्सन भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं बन सकता। इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, एंड कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, ऐसा पर्सन नहीं चाहिए हमें, एंड विद एम्प्लेसमेंट एक्सीडिंग 6 मंथ। नेक्स्ट बात करते हैं, एंड सी एस एज आप इंटरनल ऑडिटर की तरह भी काम कर सकते हो, सर्टिफिकेशन सर्विसेज के लिए भी काम कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं सी एस एज अ आई पी आर एक्सपर्ट। सी एस एज आई पी आर एक्सपर्ट भी काम कर सकता है। सी एस कैन एक्ट एज अ ट्रेडमार्क एजेंट एंड एडवाइज ऑन द मैटर ऑफ द एडवाइज ऑन द मैटर ऑफ द ट्रेडमार्क। नेक्स्ट आई पी आर अंडर द ट्राईपार्टी एग्रीमेंट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एंटी डंपिंग सब्सिडीज, काउंटरवेलिंग ड्यूटीज, फॉरन ट्रेड पॉलिसीज प्रोसीजर एंड इशू ऑफ द सर्टिफिकेट एंड अंडर द सेम लॉज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एंड लाइसेंसिंग एंड ड्राफ्टिंग ऑफ द एग्रीमेंट। दीज आर द सर्विसेज विच अ कंपनी सेक्रेटरी कैन प्रोवाइड टू देयर क्लाइंट फॉर द कंपनी सेक्रेटरी एज अ प्रैक्टिस। नेक्स्ट बात करते हैं सी एस एज अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन पे आप अगर आप प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हो तो एज अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन भी काम कर सकते हो। रेगुलेशन नंबर 5 ऑफ आईपीपीआर रेगुलेशन बात करता है कि इंडिविजुअल शैल बी एलिजिबल, वो एलिजिबल हो जाएगा टू वर्क एज अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन। क्वालिफिकेशन क्या है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन के लिए, या तो उसने लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन क्लियर किया हो विद इन द 12 मंथ, या फिर हैव कंप्लीटेड द प्री रजिस्टर्ड एजुकेशन कोर्स and he has successfully completed national insolvency program which is conducted by the approved board and graduate insolvency program which is approved by the board. Board here means IBBI, and 15 years experience in the management affair after receiving the bachelor degrees, and 10 years experience after the CS CMA एंड एडवोकेट। नेक्स्ट बात करते हैं सी एस एक्सपर्ट बियॉन्ड द कंपनी लॉ। ऑब्वियसली बात है सी एस कैन एक्ट बियॉन्ड द कंपनी लॉ। आप सेबी में आप क्या एडवाइस दे सकते हो, सकरा सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन में आप एडवाइस दे सकते हो, डिपॉजिटरीज एक्ट में भी आप काम कर सकते हो, फेमा आई पी आर राइट्स के लिए ड्राफ्टिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, दीज आर द वेरियस फील्ड फॉर द सी एस कैन वर्क हेयर। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉस एंड एनवायरमेंटल लॉस, पॉल्यूशन कंट्रोल लॉस एंड कॉम्पिटिशन लॉस। नेक्स्ट बात करते हैं सी एस एज अदर सर्विस प्रोवाइडर। सी एस और क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकता है? सी एस एज अपॉइंटेड एक्सपर्ट अपॉइंट हो सकते हो, आप एज अ स्क्रूटराइजर अपॉइंट हो सकते हो, कंपनी लिक्विडेटर की पोस्ट पर अपॉइंट हो सकते हो, एन सी एल टी के टेक्निकल मेंबर्स भी बन सकते हो, आप पार्ट ऑफ द एक्सपर्ट पैनल भी बन सकते हो, मेडिएशन कंसिलेशन का गवर्नमेंट जुडिशियल क्वासी जुडिशियल बॉडी में एक्सपर्ट पैनल के लिए भी काम कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं अगर आप कोई कंपनी इशू ला रही है, इशू ऑफ द शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटी इशू कर, उस केस में आप एडवाइजर्स का रोल, ड्राफ्टिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स का भी रोल कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं लिस्टिंग एंड डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज विद स्टॉक एक्सचेंज, इसके इसमें भी आप एडवाइस कर सकते हो। प्राइवेट प्लेसमेंट कोई कंपनी ला रही है तो वहाँ पे भी आप अपनी एडवाइस दे सकते हो। बायबैक के केस में ड्यू डिलीजेंस, रेजिंग ऑफ द एडीआर, जीडीआर, एफसीसीबी, एफसीईबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, दीज आर द एरिया ऑफ द वर्क फॉर द कंपनी सेक्रेटरी, फॉर द प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के केस में फॉरन कोलैबोरेशन, जॉइंट वेंचर कोई कंपनी कर रही है जो
जॉइंट वेंचर होल्डिंग एंड सब्सिडी अब्रॉड, इंश्योरिंग द कंप्लाइंस ऑफ द टेक ओवर रेगुलेशंस एंड इंश्योर द प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंस अकाउंटिंग टैक्सेशन में भी आप एडवाइस दे सकते हो कंपनी सेक्रेटरी, लाइक किसी कंपनी का डिटर्मिनेशन कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने में, एनालाइज द कैपिटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट एनालाइज करने में, प्रिपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड विजिबिलिटी स्टडीज, टैक्स मैनेजमेंट, GST, टैक्स प्लानिंग, दीज आर द एरिया ऑफ द फील्ड फॉर द कंपनी सेक्रेटरी। एज अ आर्बिट्रेटर कंसलेटर आप अपॉइंट हो सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट। सी एस प्ले द फॉलोइंग रोल एज अ गाइड टू द रोल एज अ गाइड एंड एज अ रेगुलेटर एंड एज अ ग्लोबल लीडर एंड द रोल एज अ चैम्पियन, रोल एज अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोफेशनल एंड इन द इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन एंड इन द बोर्ड एंड इन द कमिटी ऑफ द प्रोसेस एंड एंड एज अ सपोर्ट टू द चेयरमैन एंड कंसाइज कीपर एंड टू कम्युनिकेट विद द स्टेक होल्डर्स एंड डिस्क्लोज एंड डिस्क्लोज द डिस्क्लोज द रिपोर्टिंग एंड टू द बोर्ड डेवलपमेंट। दीज आर द एरिया ऑफ द वर्ल्ड फॉर द कंपनी सेक्रेटरी। जो चैप्टर है सेक्शन नंबर चैप्टर नंबर 7 विच डील्स विद द रोल ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी, ये कंपनी सेक्रेटरी को बेसिकली मोटिवेट करने के लिए चैप्टर गिवन है कि एक कंपनी सेक्रेटरी किस एरिया में कहाँ तक, मतलब कितना उनका वर्कअप वो स्कोप ऑफ वर्क कितना है कि कहाँ कहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी आप काम कर सकते हो। हमने देखा इस चैप्टर में कि कंपनी सेक्रेटरी एज अ प्रैक्टिस कहाँ कहाँ पे आप काम कर सकते हो, एज अ एम्प्लॉयमेंट आप कैसे काम कर सकते हो, बियॉन्ड द कंपनी लॉज आपके ऊपर क्या क्या लॉट्स लॉट ऑफ वर्क है जो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 विच डील्स विद द टाइप्स ऑफ ऑडिट के बारे में बात करें। इस चैप्टर को हम कंप्लीट कवर नहीं करने वाले, इस चैप्टर को सेम रिपीटेशन चैप्टर नंबर 11 में है तो वहाँ पे हम चैप्टर नंबर 8 को कवर करेंगे। इस चैप्टर में सिंपल सिर्फ टाइप्स ऑफ ऑडिट के बारे में देखेंगे, वो भी नॉर्मल 2 to 3 टाइप्स ऑफ ऑडिट के बारे में। सबसे पहले देखते हैं साइबर ऑडिट। साइबर ऑडिट कौन कंडक्ट करता है? इंटरनल ऑडिटर कंडक्ट करता है एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोफेशनल भी साइबर ऑडिट को कंडक्ट कर सकते हैं। साइबर ऑडिट में चेक करते हैं कि प्रॉपर सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन में करता है या नहीं करता है एंड एडुकेट स्टेप्स आपने कंपनी को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लिए हैं कि नहीं लिए हैं किसी चीज़ को, डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनसाइडर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, हैकर्स से प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं वल्नरेबिलिटी, सिस्टम डेफिशिएंसी तो नहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, इन चीज़ों को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं साइबर ऑडिट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वायरमेंट ऑडिट। इन्वायरमेंट ऑडिट भी इंटरनल ऑडिटर ही करता है या फिर सेक्रेटरी ऑडिटर भी इन्वायरमेंटल ऑडिट कर सकता है। चेक करते हैं कि आपने आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई अगर इन्वायरमेंटल लॉस एप्लीकेबल हैं तो उसको आपने कंप्लाई किया है या नहीं किया, इन चीज़ों का चेक करना है। टेक आपने इन्वायरमेंट से रिलेटेड एडुकेट स्टेप्स लिए हैं नहीं लिए, आप इन्वायरमेंट को पॉल्यूट तो नहीं कर रहे, इन चीज़ों को चेक करने के लिए एक हम इन्वायरमेंटल ऑडिट भी करते हैं। नीड एंड इंपॉर्टेंस क्यों है सेक्रेटरी ऑडिट के? प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को प्रिवेंट करने के लिए, एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज को प्रमोट करने के लिए एंड द पब्लिक एम्बैरेसमेंट को सेव करने के लिए, पब्लिक नेचर्स को सेव करने के लिए हम इन्वायरमेंटल ऑडिट करते हैं, हेल्प द कंप्लाइंस ऑफ द इन्वायरमेंटल लॉस। नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेंसिक ऑडिट। फॉरेंसिक ऑडिट एक स्ट्रैटेजिक ऑडिट होता है, डायनेमिक स्ट्रैटेजिक ऑडिट होता है करप्शंस को कम करने के लिए विच एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स को भी रिड्यूस करने के लिए। ये इन्वेस्टिगेशन होता है कि आपने आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ, इन चीज़ों को चेक करने के लिए। एंड फॉरेंसिक साइंस यहाँ पे अप्लाइड होती है फॉरेंसिक ऑडिट करते टाइम या फिर फ्रॉड को अनअर्थ करने के लिए, अनअर्थ मतलब निकालने के लिए, खोद के निकालने के लिए। एंड फॉरेंसिक ऑडिट गैदर द एविडेंस एंड टू प्रोड्यूस इन इट कोर्ट। नेक्स्ट बात करते हैं सोशल ऑडिट के बारे में। सोशल ऑडिट मेजर्स एंड अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशन सोशल एंड एथिकल परफॉर्मेंस एंड इट इम्पैक्ट द गवर्नेंस ऑल्सो एंड ऑफिशियल्स इवेल्युएट द ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्वमेंट इन द सोशल प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट बात करते हैं टेक ओवर ऑडिट के बारे में। टेक ओवर ऑडिट चेक कंपनी ने हम टेक ओवर ऑडिट में चेक करते हैं कि कंपनी SST रेगुलेशन को कंप्लाई किया है या नहीं किया है, कंपनी में इंटरनल एंड सेक्रेटरी टेक ओवर विच इज़ कंडक्टेड बाय द इंटरनल सेक्रेटरी ऑडिट कंडक्ट करते हैं एंड टू प्रिवेंट द एंड डिटेक्ट एंड करेक्ट द वायलेशन ऑफ द टेक ओवर कोड टेक ओवर लॉस। दैट्स इट फॉर द चैप्टर नंबर 8। इस चैप्टर को हम यहीं पर क्लोज करते हैं क्योंकि चैप्टर नंबर 8 हम चैप्टर नंबर 11 में दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, वहाँ पर टाइप्स ऑफ ऑडिट के बारे में गिवन है। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 ऑफ द ड्यू डिलीजेंस विच डील्स विद द सेक्रेटरी ऑडिट के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 9 बात करते हैं सेक्रेटरी ऑडिट के बारे में। चैप्टर नंबर 9 विच डील विद द सेक्रेटरी ऑडिट
स्टार्ट करने से पहले ओवरव्यू समझते हैं कि चैप्टर में एक्चुअल में पढ़ने के वाले हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेक्टरल ऑडिटर के बारे में, सेक्टरल ऑडिट के बारे में, सेक्टरल ऑडिट के मीनिंग के बारे में समझेंगे एंड एप्लीकेबिलिटी के बारे में समझेंगे, किस किस कंपनीज के ऊपर सेक्टरल ऑडिट एप्लीकेबल है, देन बेनिफिट्स क्या क्या है सेक्टरल ऑडिट करवाने के, देन द प्रोसेस ऑफ द सेक्टरल ऑडिट, देन द सेक्टरल ऑडिटर का जो पोर्शन है कंप्लीट हो जाएगा। देन इस चैप्टर का जो सेकेंड फेज है, सेकेंड फेज मतलब चेकलिस्ट के बारे में, इस चैप्टर में दो ही चीज़ें पढ़नी है, या तो हमें सेक्टरल ऑडिट पढ़ना है या तो हमें चेकलिस्ट पढ़ना है, देन जो चैप्टर नंबर जो 9 है वो ओवर हो जाएगा। चेकलिस्ट में हम पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट में क्या क्या चेकलिस्ट है, सेबी एक्ट में क्या क्या चेकलिस्ट है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में क्या क्या चेकलिस्ट है, यहाँ पे 1992 आएगा, सेबी एक्ट 1992, एंड द डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 में क्या क्या चेकलिस्ट है, फेमा 99 में क्या क्या चेकलिस्ट पढ़ेंगे, देन द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड में क्या क्या चेकलिस्ट है, देन द जनरल लॉज में क्या क्या चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी सेक्रेटरी पीसेस जो सेक्रेटरी ऑडिट करने जाए किसी कंपनी में, तो वो क्या क्या चीज़ें चेक करेगा इन केस ऑफ सेक्रेटरी ऑडिट। सेक्रेटरी ऑडिट में वो कंपनीज एक्ट में क्या क्या चीज़ चेक करेगा, सेबी में, सकरा में, डिपॉजिटर्स एक्ट, फेमा, कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड में एंड जनरल लॉज में क्या क्या चीज़ चेक करेगा, दिस आर द कॉल्ड चेकलिस्ट। सबसे पहले पढ़ेंगे सेक्रेटरी ऑडिट के बारे में, देन जो चेकलिस्ट, देन दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। स्टार्ट करते हैं सेक्टर ऑडिट के बारे में। सेक्टर ऑडिट इज एन ऑडिट ऑफ द नॉन कम्प्लायंस आस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज द इंडिपेंडेंट ऑडिट एंड विच डील्स विद द वेरिफिकेशन ऑफ द ई रिकॉर्ड्स, वेरिफिकेशन ऑफ द ई रिकॉर्ड्स एंड बुक्स एंड पेपर डॉक्यूमेंट बाय द कंपनी सेक्रेटरी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। देन बात करते हैं इंश्योर द कंपनी इज इन द कंप्लाइज, सेक्रेटरी ऑडिट इंश्योर्स द कंपनी इज इन कंप्लाइज विद देयर वेरियस रूल्स द रेगुलेशन एक्ट प्रोविजन विच इज एप्लीकेबल ऑन द कंपनी टू अवॉइड द रिस्क। देन बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी के बारे में कि किस कंपनी के ऊपर सेक्रेटरी ऑडिट एप्लीकेबल होता है। सेक्शन नंबर 204 रीड विद रूल 9 बात करता है कि सेक्रेटरी ऑडिट के बारे में कि एवरी लिस्टेड कंपनी एंड पब्लिक कंपनी हुज पेड अप शेयर कैपिटल इज 50 करोड़ एंड मोर, टर्न ओवर इज 250 करोड़ एंड मोर, एंड आउटस्टैंडिंग बोरोइंग लोन एंड बोरोइंग इज 100 करोड़ एंड मोर, सच कंपनी नीड्स टू टेक द सेक्रेटरी ऑडिट। यहाँ पे आता है पब्लिक कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़, टर्न ओवर 250 करोड़, एंड यहाँ पे आता है एवरी कंपनी जिसका लोन एंड बोरोइंग, आउटस्टैंडिंग लोन एंड बोरोइंग एक्सीड्स द 100 करोड़, उस कंपनी के ऊपर सेक्रेटरी ऑडिटर का कंसेप्ट एप्लीकेबल हो जाता है और उस कंपनी को सेक्रेटरी ऑडिट करवाना पड़ता है कंपनी सेक्रेटरी से। देन जो ऑडिटर होगा, सेक्रेटरी ऑडिटर ऑडिट करेगा एंड ऑडिट की जो रिपोर्ट है इन द फॉर्म नंबर MR3 वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सबमिट कर देगा एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस रिपोर्ट को शेयर होल्डर्स को जनरल मीटिंग में सबमिट करेंगे अलॉन्ग विद अ नोटिस। जब हम नोटिस सबमिट करते हैं शेयर होल्डर्स को 21 डेज का नोटिस देते हैं, उस नोटिस के साथ आप सेक्रेटरी ऑडिटर का रिपोर्ट, स्टैच्यूटरी ऑडिटर्स का रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें आप सबमिट करते हो शेयर होल्डर्स को। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी के बारे में, एप्लीकेबिलिटी और किस किस के ऊपर ये जो सेक्रेटरी ऑडिटर का जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल होता है एज पर द LODR रेगुलेशन 2015। LODR रेगुलेशन 2015 एक कमेटी बनाई गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ उदय कोटक जी के चेयरमैनशिप में बनाई गई थी फॉर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। इसमें उन्होंने रेगुलेशन नंबर 24A बताया था। रेगुलेशन नंबर 24A डील करता है LODR रेगुलेशन के, रेगुलेशन नंबर 24A बात करता है कि जो भी मटेरियल अननेसेसरी सब्सिडीज कंपनी है लिस्टेड कंपनी की, उनको भी सेक्रेटरी ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। ठीक है, तो एवरी लिस्टेड कंपनी और उनकी जो मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडीज कंपनी है, मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडीज कंपनी है, उनको भी सेक्रेटरी ऑडिट करवाना जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जम्पशन। एग्जम्पशन कुछ कंपनी है जिनको सेक्रेटरी ऑडिट करवाना कंपलसरी नहीं है। एवरी रेगुलेशन नंबर फिफ्टीन बात करता है एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी के बारे में। तो रेगुलेशन नंबर 15 में गिवन है कि रेगुलेशन 15 ऑफ LODR बात करता है कि ऐसी कंपनी जो कि लिस्टेड है, जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है, नेटवर्थ 25 करोड़ तक है और जो कि ऐसे में एक्सचेंज पर लिस्टेड है, उन इसमें उन कंपनीज को सेक्रेटरी ऑडिट का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। देन बात करते हैं सेक्रेटरी ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के बारे में। अपॉइंट कैसे होगा, PCS को हम अपॉइंट करेंगे बाय द बोर्ड रेजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग। बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे बोर्ड मीटिंग में एंड अपॉइंट कर देंगे सेक्रेटरी ऑडिटर को, और रिपोर्ट और जो सेक्रेटरी ऑडिटर है अपना ऑडिट करेगा एंड रिपोर्ट इन द फॉर्म नंबर MR3 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सबमिट करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स को सेक्रेटरी ऑडिटर की रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बेनिफिट क्या क्या है।
सेक्युलेटर का क्या क्या बेनिफिट है, प्रमोटर्स को क्या क्या बेनिफिट है। प्रमोटर का बेनिफिट यह है कि प्रमोटर इंश्योर रहता है कि कंपनी इज इन कंप्लाइंस विद द वेरियस रूल्स रेगुलेशन से, कंपनी कंप्लाइंस कर रही है एंड कोई जो रिस्क है रिस्क को वो अवॉइड कर रहे हैं। देन बात करते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को क्या क्या बेनिफिट है सेक्रेटरियल ऑडिट से। अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म फॉलो होता है सेक्रेटरियल ऑडिट से एंड इंश्योर करते हैं कंप्लाइंस विद वेरियस लॉज विच इज एप्लीकेबल ऑन द कंपनी एंड कंपनीज विल नॉट एक्सपोज एनी अनवांटेड रिस्क। नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज को कैसे बेनिफिट है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को कैसे बेनिफिट है अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरियल ऑडिट करवा रही है तो। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ और रेगुलेटर्स, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ रिड्यूस द बर्डन ऑफ द रेगुलेटर्स, रेगुलेटर्स का बर्डन रिड्यूस हो जाता है कंपनी, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी अगर एक कंपनी में ऑडिट होगा तो ऑब्वियस बात है कंपनी ऑलरेडी लॉ को कंप्लाई करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट इंक्रीज होता है एंड इन्वेस्टर्स एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग इंश्योर रहते हैं कि कंपनी इज कंप्लाइंस विद अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अदर स्टेक होल्डर्स को क्या बेनिफिट्स हैं, अदर स्टेक होल्डर्स लाइक इन्वेस्टर्स जॉइंट वेंचर फॉरन इंस्टीट्यूशन बैंक्स एंड क्रेडिटर्स विच में एट द टाइम ऑफ ड्यू डिलीजेंस, एट द टाइम ऑफ ड्यू डिलीजेंस। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेस ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट के प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले अपॉइंटमेंट होगा सेक्रेटरियल ऑडिटर का, सेक्रेटरियल ऑडिट जैसे ही अपॉइंट होता है वो क्या करेगा, जो प्रीवियस सेक्रेटरियल ऑडिटर था उसको कम्युनिकेट करेगा अपना अपना अपॉइंटमेंट एंड प्रीवियस एंड उसके बाद एक्सेप्ट करेगा अपना अपॉइंटमेंट। देन बात करते हैं एक प्रिलिमिनरी डिस्कशन करेगा, प्रिलिमिनरी डिस्कशन किसके साथ, मैनेजमेंट के साथ। उसके बाद एक प्रिलिमिनरी मीटिंग करेगा, डिस्कशन एंड मीटिंग। देन एक ऑडिट प्लान प्रिपेयर करेगा एंड उसके बाद टेस्टिंग एंड इंटरव्यूज करेगा विद द वेरियस ऑफिशियल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन द एक वर्किंग पेपर क्रिएट करेगा एंड ऑडिट समरी ट्रायल, ऑडिट समरी करने के बाद एंड ऑडिट करने के बाद एक एग्जिट मीटिंग करेगा विद द मैनेजमेंट एंड जो ऑडिट रिपोर्ट है वो MR3 में सबमिट कर देगा किसको, सॉरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। नेक्स्ट बात करते हैं अगर सेक्रेटरियल ऑडिटर ने रॉन्ग ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, या रॉन्ग ऑडिट रिपोर्ट बना दिया या फिर फेक फ्रॉड किया ऑडिट रिपोर्ट में, उस केस में रॉन्ग रिपोर्ट इशूड बाई द सेक्रेटरियल ऑडिटर्स, उस केस में क्या प्रोविजन सेक्शन 447, 448, 449 में लाइबल होगा सेक्रेटरियल ऑडिटर। विच 448 विच डील्स विद द रिपोर्ट कंटेन, अगर फॉल्स मटेरियल फैक्ट है या फिर कोई मटेरियल फैक्ट आपने ऑमिट कर दिया है तो उस केस में आप 447 में लाइबल होंगे। 447 की पेनल्टी क्या है, अगर फ्रॉड का अमाउंट 10 लाख और 1% ऑफ टर्न ओवर विच एवर इज लोअर, इस लोअर अमाउंट से आपका जो फ्रॉड का अमाउंट है वो ज़्यादा है तो उस केस में आपको पेनल्टी कितना होगी, फ्रॉड फ्रॉड का अमाउंट एंड 3 टाइम्स ऑफ द फ्रॉड का अमाउंट प्लस इम्प्रेसमेंट मिनिमम 3 मंथ, मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 10 ईयर। नेक्स्ट बात करते हैं अगर फ्रॉड का अमाउंट 10 लाख और 1% ऑफ टर्न ओवर विच एवर इज लोअर, इस लोअर से भी आपका जो फ्रॉड का अमाउंट है वो भी लोअर है, उस केस में जो आपकी पेनल्टी होगी अप टू 50 लाख और अप टू 5 ईयर्स इम्प्रेसमेंट और बोथ विच इज़ द कंपाउंडेबल। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 204 में भी आप लाइबल होंगे, फाइन 1 लाख, मिनिमम फाइन 1 लाख एंड मैक्सिमम लाइक फाइन 5 लाख। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन CS एक्ट में भी आप पनिशेबल होंगे अगर आपने सेक्रेटरियल ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट गलत साइन कर दी तो। फर्स्ट स्केड्यूल से रिलेटेड है तो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, सेकेंड स्केड्यूल से रिलेटेड तो डिसिप्लिन कमेटी के पास आपका केस जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर द गुड कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के लिए, अगर वाइल द डूइंग सेक्रेटरियल ऑडिटर डिस्क्लोज करना है आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो उसके लिए क्या क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, आपके सारे इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना है इन द लेटर एंड स्पिरिट में एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना है, इन्वेस्टर्स को डिस्क्लोज करना है, रिफ्रेन करना है मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है उनको एंड इन्फॉर्मेशन टाइमली डिसमिनेट करना है, डिसमिनेट द चैनल शुड बी द कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए डिसमिनेशन चैनल एंड कंप्लाई करना है आपको सारे लॉस रेगुलेशंस को एंड लॉ शुड बी द लेटर एंड स्पिरिट में कंप्लाई करना है एंड फाइलिंग आपको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स फाइल करना है, सारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को रिस्पेक्ट करना है, राइट ऑफ द स्टेक होल्डर्स के राइट को रिस्पेक्ट करना है। दीज आर द प्रिंसिपल्स विच यू हैव टू बी फॉलो इन द ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नेक्स्ट बात करते हैं स्टार्ट करते हैं चेकलिस्ट के बारे में, गाइडिंग क्राइटेरिया फॉर द वेरियस स्टेजेस
फॉर द कंडक्टिंग द सेकेटलॉयड वेरिफिकेशन इवेंट एंड कंप्लाइंस अंडर द वेरियस लॉज। वेरिफिकेशन ऑफ द कंप्लाइंस स्कोप ऑफ द सेकेटलॉयड। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप अगर एक कंपनी सेक्रेटरी जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी वो सेकेटलॉयड करने जा रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में, लेट्स अज्यूम एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर सेकेटलॉयड करने एक कंपनी सेक्रेटरी जा रहा है PCS प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, तो वो क्या क्या चीज़ें एक्चुअल में उस ऑर्गेनाइजेशन में जाके चेक करने वाला है इन केस ऑफ सेकेटल ऑडिट। दिस आर द चेकलिस्ट। कंपनी सेक्ट में हम क्या क्या चेक करेंगे, बोर्ड मीटिंग एजेंडा और मिनट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कमेटी एजेंडा नोट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मेंबर्स की मीटिंग प्रॉपर हुई है, AGM प्रॉपर भेजा आपने, एजेंडा नोट्स माइन्यूट्स प्रॉपर बनाई, AGM के नोटिस AGM का नोटिस अटेंडेंस मिनट्स आपने प्रॉपर अच्छे से किया है, डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, CS का अपॉइंटमेंट, रिमूवल और रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसमें चेक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड शेयर होल्डिंग पैटर्न, इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज, बायबैक कन्वर्जन एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम चेक करेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन से। सारे सेक्शन 73-76 डिपॉजिट्स के बारे में बात करता है, बायबैक सेक्शन 68, इशुएंस ऑफ सिक्योरिटी, शेयर होल्डिंग पैटर्न रेगुलेशन नंबर 31 बात करता है, ये रेगुलेशन 31 ऑफ द LODR बात करती है, सारी चीज इन्फॉर्मेशन आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर फॉलो किया है, डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू मैनेजर रेमुनरेशन, डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन सेटिस्फेक्शन चार्ज सेक्शन 77 सेक्शन 79-82 ऑफ द कंपनी सेक्ट आर रिलेटेड बाई ट्रांजेक्शन सेक्शन सेक्शन नंबर 188 चेंज ट्रांजेक्शन विद द डायरेक्टर्स एंड लोन टू डायरेक्टर्स एंड 186 स्टैचुटरी रजिस्टर्स एनुअल रिटर्न सेक्शन 92 वंस स्टेटमेंट अंडर द ये दीज आर द इन्फॉर्मेशन विच सेक्रेटरी ऑर्डर हैज़ टू चेक वाइल डूइंग द सेक्रेटरी ऑर्डर इन केस ऑफ कंपनी सेक्ट। कंपनी सेक्ट में हम ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। दीज आर द इलस्ट्रेटिव लिस्ट नॉट द एग्जॉस्टिव लिस्ट। जरूरी नहीं कि सिर्फ यही चीज़ चेक करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें जो कंपनी सेक्ट में एक सेक्रेटरी ऑर्डर क्या करता है चेक करता है वाइल डूइंग द सेक्रेटरी ऑर्डर इन द कंपनी। नेक्स्ट बात करते हैं इन केस ऑफ सक्रा सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन 50-90-56 में क्या क्या चीज़ चेक करता है, कैपिटल स्ट्रक्चर्स कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न सेक्शन रेगुलेशन नंबर 931 एंड चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर अगर कोई चेंज हुआ है, कंप्लाइंस विद द सेबी LODR को आपने कंप्लाई किया नहीं किया, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज को रेगुलेशन को अप्लाई किया नहीं किया, कॉन्टिन्यूस लिस्टिंग एग्रीमेंट को आपने कंप्लाई की नहीं, कॉन्ट्रवेंशन तो नहीं किया किसी प्रोविजंस का। दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू चेक ड्यूरिंग द सेक्रेटरी ऑडिट। नेक्स्ट बात करते हैं अंडर द डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 डिपॉजिटरी एक्ट में एग्रीमेंट बिटवीन द डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट, सरेंडर ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ सिक्योरिटीज, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज विद द डिपॉजिटरीज, प्लेज हाइपोथिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज, रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर्स ग्रीवेंसेस अंडर द फेमा हम चीज चेक करेंगे, मेकिंग इन्वेस्टमेंट बाय द NR एंड परचेज ऑफ सेल्स एंड सिक्योरिटीज बाय द NR, इशुएंस ऑफ IDR, एक्विजिशन ऑफ द राइट इशू, बोनस इशू, परमिटेड सेक्टर्स फॉर द FDI, प्रोहिबिटेड सेक्टर एक्टिविटीज फॉर द NR। These are information which have to check by the secretarial auditor while they're doing the secretarial audit. Next बात करते हैं under the general laws में factory sector compliances को, industrial dispute act compliances को, payment of bonus act को, gratuity act, wages act, minimum wages act compliances को आप check करते हैं, employee state insurance act compliances को आप check करते हैं। Next बात करते हैं सभी act में क्या क्या चीज़ चेक करते हैं। सभी एक्ट अंदर SST रेगुलेशन में डायरेक्टर इनडायरेक्ट एक्विजिशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्विजिशन ऑफ द कंट्रोल, वॉलंटरी ऑफर प्राइसिंग रेगुलेशन नंबर 8, कॉन्टिनल डिस्क्लोजर रेगुलेशन 29-30, इवेंट बेस्ड डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लोजर ऑफ द एनकम्बर शेयर, PIT रेगुलेशन में कनेक्टेड पर्सन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, डिस्क्लोजर ऑफ द कनेक्टेड पर्सन, कॉन्टिन्यूस डिस्क्लोजर, ट्रेडिंग प्लान्स, कम्युनिकेशन ऑफ द UPSI, डिस्क्लोजर ऑफ द ट्रेडिंग इन्वेस्टर्स, ICDR में पब्लिक इशू, राइट इशू रिलेटेड प्रोविजन, बोनस इशू, राइट इशू, ऑब्लिगेशन ऑफ इशू एंड इंटरमीडियरीज, कंडीशन फॉर द एक्सिट अपॉर्चुनिटी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट प्लेसमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं दीज आर द इन्फॉर्मेशन विच आर सेक्रेटरी ऑडिट हैज़ टू चेक वाइल द डूइंग द सेक्रेटरी ऑडिट इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट बात करते हैं सभी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2015 में ई सबसे रिलेटेड प्रोविजन, ESPSR, एम्प्लॉय जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम, रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, सभी इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट रेगुलेशन 1993,
इसमें हम चेक करते हैं कि कंपनी ने जो भी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं, जो भी एप्लीकेशन रिसीव हुई फ्रॉम इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टर्स से इन्वेस्टर्स रिजेक्ट द रीज़न, अगर आप एप्लीकेशन रिसीव हुई फॉर द ट्रांसफर ट्रांसफर ट्रांसमिशन के लिए, उसको कितना कंपनी ने या फिर ऑर्गेनाइजेशन ने रिजॉल्व किया है, कितना रिजेक्ट किया है, एंड रिजेक्ट किया है तो उसका रीज़न भी बताना है कि हमने रिजेक्ट क्यों किया है। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, लिस्ट ऑफ अलॉटीज एंड नॉन अलॉटीज, रिफंड अंडर द डिस्पैच, दीज आर द इन्फॉर्मेशन आर सिक्योरिटीज टू चेक, दीज आर द चेकलिस्ट फॉर द ऑडिट, ऑडिट के लिए चेकलिस्ट है। LODR में अपॉइंटमेंट ऑफ कंप्लाइंस ऑफिसर, रेगुलेशन नंबर 6, रेगुलेशन नंबर 7, रेटिंग एजेंसी डिस्क्लोजर्स के बारे में, रेगुलेशन नंबर 29, पॉलिसीज के बारे में, स्टेक होल्डर्स के ग्रीवेंसेस के बारे में, रेगुलेशन नंबर 13, इन्फॉर्मेशन प्लेस टू बी वेबसाइट, रेगुलेशन 46, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लाइंस के बारे में, रेगुलेशन नंबर 24, 24A, दीज आर द बोर्ड कमेटीज एंड कंपनसेशन प्रोसेस कमेटी, डिस्क्लोजर इन द बोर्ड रिपोर्ट, CSR के रिलेटेड प्रोविजन, CSR कमेटी के बारे में, CSR पॉलिसीज के बारे में, मोर देन दीज आर द चेकलिस्ट, डेट्स इट फॉर द चैप्टर नंबर 9 ऑफ द सेक्रेटरी ऑडिट। सबसे पहले हमने पढ़ा कि किस किस कंपनी के ऊपर सेक्रेटरी ऑडिट का प्रोविजन एप्लीकेबल होता है, एंड सेक्रेटरी ऑडिटर का मतलब क्या होता है। देन हमने पढ़ा कि चेकलिस्ट, वेरियस चेकलिस्ट फॉर द सेक्रेटरी ऑडिट, सेक्रेटरी ऑडिट के लिए सेक्रेटरी ऑडिटर जो है चेकलिस्ट प्रिपेयर करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें एट द टाइम ऑफ डूइंग ऑडिट हमें चेक करनी है। देन हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 ऑफ द ड्यू डिलीजेंस विच डील्स विद द, चैप्टर नंबर 10 डील करता है इंटरनल ऑडिट के बारे में। इंटरनल ऑडिट का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पढ़ेंगे इस चैप्टर में एक्चुअल में ओवरव्यू क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में सेक्रेटरी ऑडिट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सेक्रेटरी ऑडिट इंटरनल ऑडिट होता क्या है, इंटरनल ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी किस किस ऑर्गेनाइजेशन किस किस कंपनी पे इंटरनल ऑडिट का प्रोविजन एप्लीकेबल है। देन द अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर के बारे में पढ़ेंगे। देन द स्कोप क्या क्या है इंटरनल ऑडिट का, एंड टेक्निक क्या क्या है इंटरनल ऑडिट के लिए। देन द प्रोसेस ऑफ इंटरनल ऑडिट के बारे में पढ़ेंगे। देन द प्रिंसिपल्स ऑफ द इंटरनल ऑडिट के बारे में पढ़ेंगे। देन एक दो और स्मॉल टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, उसको पढ़ने वाले हैं। देन ये चैप्टर हो जाएगा ओवरव्यू, दिस इज देन ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, दिस इज द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 विच डील विद द इंटरनल ऑडिट से बारे में बात करता है, इंटरनल ऑडिट एंड द प्रोफेशनल ऑडिट। सेक्शन नंबर 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सेक्शन नंबर 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड रीड विद द रूल 13 बात करता है, मेक इट मैंडेटरी फॉर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द कंपनी फॉर द इंटरनल ऑडिट, एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी पब्लिक कंपनी जिसका आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 50 करोड़ एंड मोर है, पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ एंड मोर है, पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ एंड मोर है, एंड लोन एंड आउटस्टैंडिंग लोन एंड बोरोइंग 100 करोड़ एंड मोर है, एंड टर्नओवर 200 करोड़ एंड मोर है, एंड एवरी प्राइवेट कंपनी जिसका आउटस्टैंडिंग बोरोइंग लोन एंड बोरोइंग 100 करोड़ एंड मोर एंड टर्नओवर इज 200 करोड़ मोर, एंड इन सच कंपनीज के ऊपर सेक्रेटरी ऑडिट का जो सॉरी इंटरनल ऑडिट का जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल हो जाता है। तो इसको हम याद कैसे करते हैं, लिस्टेड कंपनी 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ एंड 100 करोड़ एंड 200 करोड़, 25, 50, 100, 200, 25, 50, 100, 200 एंड 100, 200, ठीक है। डिपॉजिट की लिमिट, शेयर कैपिटल की लिमिट, लोन बोरविंग की लिमिट एंड टर्नओवर की लिमिट, लोन बोरविंग की लिमिट एंड टर्नओवर की लिमिट, ये लोन बोरविंग एंड टर्नओवर की लिमिट सेम है इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी और इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑडिट के बारे में। सेक्शन नंबर 179 बात करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर है, सेक्शन नंबर 179 बात करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पावर है कि इंटरनल ऑडिटर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन दी बोर्ड मीटिंग BR पास करेंगे, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे एंड अपॉइंट कर देंगे सेक्रेटरी ऑडिटर को। जैसे ही सेक्रेटरी ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, MGT 14 फॉर्म नंबर ROC को सबमिट करना होता है इन दी 13 डेज ऑफ द अपॉइंटमेंट टू द ROC। स्कोप क्या है सेक्रेटरी इंटरनल ऑडिट का, स्कोप क्या है कि एक्चुअल में हम इंटरनल ऑडिट में क्या क्या चीज़ें चेक करने वाले हैं। जो इंटरनल ऑडिटर जो आएगा वो इंटरनल ऑडिटर कौन हो सकता है, कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है, कंपनी का एम्प्लॉय भी नहीं भी हो सकता, प्रोफेशनल भी हो सकता है, नॉन प्रोफेशनल भी हो सकता है, CA CA CMA भी हो सकता है इंटरनल ऑडिटर के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटर के बारे में, इंटरनल ऑडिटर क्या चेक करेगा। इंटरनल ऑडिट इंक्लूड द फॉलोइंग ऑडिट ऑफ द फॉलोइंग एरिया, रिव्यू ऑफ द इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर, रिव्यू ऑफ द इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर एंड द सिस्टम, एंड नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल एरिया ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यूज ऑफ द रिसोर्सेज को चेक करना एंड देन द एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को चेक करना। देन बात करते हैं गोल्स फॉर द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स के बारे में, एंड कंप्लाइंस विद वेरियस लॉज एंड पॉलिसीज प्रैक्टिस
से कंपनी कंप्लाइंस कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है, इन चीज़ों को चेक करने के लिए ही इंटरनल ऑडिट का जो प्रोविज़न है वो सामने आता है। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्निक क्या क्या है इंटरनल ऑडिट के लिए, टेक्निक क्या क्या है। रिव्यू एंड रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट को रिव्यू करना, एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एंड एथिकल वैल्यूज ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स को रिव्यू करना, रिव्यू द कंट्रोल कंट्रो रिव्यू द एनवायरनमेंट रिव्यू द कंट्रोल रिव्यू द ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, देन आता है रिव्यू द कंट्रोल। कंट्रोल में हम देखेंगे कि वर्किंग जो ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग कंट्रोल सिस्टम है वो अच्छे से काम कर रही है। टेस्टिंग टेस्ट द कंट्रोल टू इंश्योर द वर्किंग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अकाउंट डिटेल्स के बारे में, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी आर नॉट द मटेरियल मिसस्टेटेड नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज़ों को मिसस्टेट नहीं करना है मटेरियली। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनल ऑडिट के प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले कि हम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे बिजनेस इंटरनल ऑडिट के प्रोसेस के बारे में, सबसे पहले स्टेप होता है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना इन द ऑफ द बिजनेस एरिया, देन द एस्टैब्लिश एंड कम्युनिकेट करना स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव फॉर ऑडिट के ऑडिट का स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव को कम्युनिकेट करना, देन द आइडेंटिफाई करना कंट्रोल प्रोसीजर को आइडेंटिफाई करना, टू यूज टू इंश्योर द ट्रांजेक्शंस एंड रिस्क प्रॉपरली कंट्रोल्ड एंड मैनेज, देन कंडक्ट करना एक कंडक्ट अ टेस्ट टू चेक द कंट्रोल आर ऑपरेटिंग इंटेंट, देन द रिपोर्ट इशू कर देना मैनेजमेंट को एंड कीप द फॉलो अप लेते रहना। नेक्स्ट बात करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन बाय द ऑडिटर। ऑडिटर यहाँ पे मतलब होता है कि जब इंटरनल ऑडिटर जो होगा वो इंटरनल ऑडिट करने के बाद जब वो रिपोर्ट सबमिट कर देगा मैनेजमेंट को, देन इंटरनल ऑडिटर के बाद जो सेक्रेटरी ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन में आएगा इंटरनल ऑडिटर के वर्क रिव्यू करने के लिए, फिर इंटरनल ऑडिटर के काम को चेक करने के लिए जो सेक्रेटरी ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन में आएगा तो वो किन चीज़ों को ध्यान में रखेगा इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को इवेल्युएट करते टाइम। वो लिखा हुआ कि इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन बाय द ऑडिटर है, ऑडिटर हेयर मींस पीसीएस सेक्रेटरी ऑडिटर के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो द सेक्रेटरी ऑडिटर शुड कंसीडर द फॉलोइंग थिंग्स बिफोर द रिलाई अपॉन द रिपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें कंसीडर करेगा, सबसे पहले आता है ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस के बारे में कि ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑडिट हुई है वो आउटसाइड एजेंसी से करवाई है फिर इंटरनल ऑडिटर से करवाई है इंटरनल डिपार्टमेंट से करवाई है, इन चीज़ों को ध्यान में रखेगा। सॉरी स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शंस डिटरमाइन करेगा कि जो नेचर एंड डेथ ऑफ द ऑडिट एरिया ऑफ द ऑडिट के बारे में, टेक्निकल कॉम्पिटेंस चेक करेगा, टेक्निकल कॉम्पिटेंस में आता है एडुकेट टेक्निकल ट्रेनिंग जिसने ऑडिट किया उसको है या नहीं है, प्रोफिशिएंसी थी या नहीं है, ड्यू प्रोफेशनल स्केल चेक करेगा, इसमें ये चेक करेगा कि जो भी प्लान सुपरवाइज़ किया है डॉक्यूमेंट किया है अच्छे से रिव्यू किया है या नहीं किया है, मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल मतलब रिव्यू करना एंड मॉनिटर करना ऑपरेशंस एंड इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एंड रिव्यू द कंप्लायंस विद द लॉस एंड रेगुलेशंस, इस चीज़ में चेक करना है कि जो भी लॉस एंड रेगुलेशन पॉलिसी एंड डायरेक्शंस है ऑर्गेनाइजेशन में उसको कंप्लाई किया है नहीं किया है। गवर्नेंस के बारे में, गवर्नेंस का वर्ड जब भी आता है तो मेरे माइंड में एक चीज़ आती है फेयरनेस अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर्स के बारे में, इन सब चीज़ों को कंप्लाई किया नहीं किया। दिस इज द फैक्टर अ सेक्रेटरी ऑडिटर हैज़ टू कंसीडर बिफोर द रिलाई अपॉन द बिफोर द रिलाई अपॉन द ऑडिट ऑडिट ऑफ द इंटरनल ऑडिटर, दिस आर द फैक्टर विच हैव टू बी कंसीडर्ड बाय द सेक्रेटरी ऑडिटर बिफोर द रिलाई अपॉन द रिपोर्ट ऑफ द इंटरनल ऑडिट। नेक्स्ट बात करते हैं अप्रेजल ऑफ द मैनेजमेंट डिसीजन, द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर अप्रेजल, अप्रेजल ऑफ द मैनेजमेंट डिसीजन मतलब जो भी मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया है उसको अप्रेज करना, उसको चेक करना, इट इज़ ऑल्सो द फंक्शन ऑफ द इंटरनल ऑडिट। मीन्स ऑब्जेक्टिव अप्रेजल, अप्रेजल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वेदर डिसीजन टेकन आफ्टर द फॉलोइंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो भी डिसीजन लिया उसको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के थ्रू लिया है, एंड वेदर द डिसीजन मीट द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, जो भी डिसीजन लिया ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर रहा है, एंड वेदर द सच डिसीजन आर डॉक्यूमेंटेड, डॉक्यूमेंटेड मतलब हमने उसको रजिस्टर मेंटेन किया है, उसको प्रॉपर रेजोल्यूशन पास करके हमने उस डिसीजन को लिया है एंड उसको रिकॉर्ड किया है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप्स इन द अप्रेजल ऑफ द मैनेजमेंट, जो भी मैनेजमेंट का डिसीजन है उसको अप्रेज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, सबसे पहले देखना है डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट इज टेकन विद द ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसीजन ऑफ द वी कैन से इट एट डिसीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज मीट द ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड वेदर द मैनेजमेंट हैज़ कंसीडर्ड द रिलेटेड रिस्क एंड टाइम रिक्वायर्ड एंड स्केल एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रेगुलेशन वाइल द मेकिंग द डिसीजन
एंड इन केस ऑफ द मेजर इन्वेस्टमेंट वेरियस पॉसिबल्स ऑप्शंस को हमने कंसीडर किया है या नहीं किया है, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट में कंसीडर किया है या नहीं किया है, हम चीज़ें चेक करते हैं। ये कौन चेक कर रहा है? इंटरनल ऑडिट चेक कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सच ऑप्शंस एनालाइज एंड रिव्यू रिव्यूड द इंटरनल वैल्यूज कॉस्ट एंड बेनिफिट एंड द रिस्क। नेक्स्ट बात करते हैं, वेदर द सच सेलेक्टेड वेदर द ऑप्शन सेलेक्टेड आफ्टर आफ्टर द ड्यू डिलीजेंस, जो भी हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया है या फिर जो भी डिसीजन हमने मैनेजमेंट ने लिया है वो प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस करने के बाद लिए हैं या नहीं लिया, वेदर देर सेलेक्टेड ऑप्शन इम्प्लीमेंटेड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, दीज आर द स्टेप्स फॉर द अप्रेजल द मैनेजमेंट ऑफ डिसीजन। मतलब जो भी मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया उसको अप्रेज करने के लिए ये कुछ स्टेप्स हैं जो इंटरनल ऑडिटर है उसको फॉलो करना है वाइल द डूइंग द इंटरनल ऑडिट। नेक्स्ट बात करते हैं, रोल क्या है इंटरनल ऑडिट का इन द ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म। रोल ऑफ द इंटरनल ऑडिट इन द ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म में इंटरनल ऑडिट का क्या क्या रोल है? इंटरनल ऑडिट का ये रोल है, सबसे पहले है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मेंटेन रहता है, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रहेगा कि इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए, एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रॉपर कंप्लाई होगा अगर आप इंटरनल ऑडिट करते हो तो। रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज कई बार आप क्रिएट करते हो बाय द डूइंग द इंटरनल ऑडिट। सबसे पहले आता है रोल ऑफ इंटरनल ऑडिट का, क्या रोल है इंटरनल कंट्रोल में, ठीक है। इंटरनल ऑडिट क्या करता है? डिटेक्ट करता है एरर एंड फ्रॉड्स को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंश्योर करता है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी आगे बढ़े, एंड ऐड करता है वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंग लाता है ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच लाता है थ्रू द इंटरनल ऑडिट, एंड रिकमेंड करता है मैनेजमेंट को रिस्क मैनेज करने के लिए। एंड रोल ऑफ इंटरनल ऑडिट का और क्या क्या रोल है? रोल ये है कि इवेल्युएट करता है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल, एंड रिकमेंड करता है न्यू कंट्रोल्स एरियाज एंड न्यू कंट्रोल्स अप्रोच के बारे में। कौन ये सारी चीज़ें रिकमेंड करता है? इंटरनल ऑडिट। एंड डिसकंटिन्यू करता है अननेसेसरी कॉन्ट्रैक्ट्स अननेसेसरी चीज़ों को डिसकंटिन्यू करता है, एंड यूज़ करता है कंट्रोल फ्रेमवर्क एंड डेवलप करता है कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इंटरनल ऑडिट का क्या रोल है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जब भी माइंड में वर्ड आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वही फेयरनेस अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर्स के बारे में। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंटरनल कंट्रोल इज ऑफन टू बी कंसिडर्ड वन ऑफ द फोर पिलर ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इंटरनल ऑडिट कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फोर पिलर ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नेक्स्ट बात करते हैं हेल्पिंग द ऑडिट कमेटी को भी हेल्प करता है फॉर द परफॉर्मिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इफेक्टिवली परफॉर्मिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इफेक्टिवली एंड इन्फॉर्म द कमेटी अबाउट द एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इंक्लूड द रिपोर्टिंग ऑफ द क्रिटिकल क्रिटिकल इंटरनल कंट्रोल प्रॉब्लम्स एंड इन्फॉर्म द कमेटी अबाउट द कैपेबिलिटीज ऑफ द की मैनेजर्स एंड सजेस्टिव क्वेश्चन एंड एजेंडा फॉर द ऑडिट कमेटी मीटिंग। नेक्स्ट बात करें रिस्क मिटिगेशन में कैसे हेल्प करता है एक इंटरनल ऑडिट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। रिस्क मिटिगेशन में इंटरनल ऑडिट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रिस्क मिटिगेशन एंड विच एग्जामाइन इंटरनल ऑडिट एग्जामाइन एंड इवेल्युएट द रिस्क एग्जामाइन करता है एंड इवेल्युएट करता है एंड मैनेजमेंट परफॉर्म द रिस्क असेसमेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं कई बार मैनेजमेंट थ्रू द इंटरनल ऑडिट एंड द इंटरनल ऑडिट इवेल्युएट द ईच ऑफ द एक्टिविटीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिपोर्ट एंड मोनिटर द रिस्क में आइडेंटिफिकेशन टू द मैनेजमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं कोर प्रिंसिपल्स क्या क्या है इंटरनल ऑडिट के लिए, क्या क्या कोर प्रिंसिपल्स है जो कि इंटरनल ऑडिट करते टाइम आपको ध्यान में रखना है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं एक इंटरनल ऑडिटर को माइंड में रखना है वाइल द डूइंग द इंटरनल ऑडिट। सबसे पहला प्रिंसिपल्स है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी का ध्यान रखना है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस का ध्यान रखना है कि कोई भी आप बायस ना हो वाइल द डूइंग द इंटरनल ऑडिट, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का ध्यान रखना है, ड्यू डिलीजेंस ड्यू स्किल्स एंड केयर का ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन इफेक्टिवली हो वाइल ड्यूरिंग द इंटरनल ऑडिट, रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट इन द प्रोसेस, प्रोएक्टिव स्टेप्स प्रमोट्स द ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूवमेंट। दीज आर द प्रिंसिपल्स विच आर इंटरनल ऑडिटर हैज हैव टू कीप इन द माइंड दीज आर द प्रिंसिपल विच आर इंटरनल ऑडिटर हैव टू कीप इन द माइंड वाइल द डूइंग द इंटरनल ऑडिट। दैट्स इट फॉर द चैप्टर नंबर 10 एनी चैप्टर नंबर यहाँ पे हो जाएगा था ओवर। इस चैप्टर में हमने पढ़ा इंटरनल ऑडिट के बारे में, इंटरनल ऑडिट के एप्लीकेबिलिटी एंड प्रोसेस एंड स्टेप्स टेक्निक स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट के बारे में। देन हमने पढ़ा कुछ इंटरनल ऑडिट के इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म के बारे में कि कैसे इंटरनल ऑडिट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करता है और कहाँ कहाँ पे हेल्प करता है। देन प्रिंसिपल्स पढ़े इंटरनल ऑडिट के, देन ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। देन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर
चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 अगेंस्ट डील विद द टाइप्स ऑफ रेड के बारे में। इस चैप्टर में हमने क्या देखा था कि चैप्टर नंबर 8 हमने कंप्लीट नहीं किया था प्रॉपर तरीके से इफेक्टिवली। अब हम चैप्टर नंबर 11 में ही चैप्टर नंबर 8 को भी कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द अदर ऑडिट एंड टाइप्स ऑफ ऑडिट। इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑडिट जब हम करने जाएंगे तो उनके लिए चेकलिस्ट क्या क्या ऑडिट करने जाएंगे। उस चेकलिस्ट जैसे हम साइबर ऑडिट में क्या चेक करने वाले हैं एंड सोशल ऑडिट में क्या चेक करने वाले हैं, सीएसआर ऑडिट करने जाएंगे तो उसमें क्या चीज़ें चेक करेंगे, दीज आर द इन्वायरमेंट ऑडिट करने जाएंगे तो उसमें क्या चीज़ें चेक करेंगे। इन चेकलिस्ट को भी पढ़ने वाले हैं एंड इनके ऑडिट के बारे में पढ़ने वाले हैं। दैट ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो चैप्टर नंबर 11 विच डील्स विद द टाइप्स ऑफ ऑडिट को स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ते हैं इस चैप्टर की ओवरव्यू के बारे में। एक्चुअली इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, चैप्टर नंबर 11 टाइप्स ऑफ ऑडिट स्टार्ट करने से पहले इसके ओवरव्यू के बारे में समझते हैं इस चैप्टर में पढ़ने के वाले। सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि चैप्टर नंबर 11 बात करता है टाइप्स ऑफ ऑडिट। इस चैप्टर में वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड उस ऑडिट में उसके चेकलिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जब जो ऑडिटर जो ऑडिट करने जाएगा तो उस ऑडिट में वो क्या क्या चीज़ें एक्चुअल में उस ऑर्गेनाइजेशन में चेक करेगा। दीज आर द कॉल्ड चेकलिस्ट। सबसे पहले देखेंगे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट के बारे में समझेंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट क्या होता है, सीएसआर ऑडिट क्या होता है, टेक ओवर ऑडिट क्या होता है, इनसाइडर ट्रेडिंग ऑडिट के बारे में, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ ऑडिट के बारे में, देन पढ़ेंगे साइबर ऑडिट के बारे में, इन्वायरमेंट ऑडिट के बारे में, देन द इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के बारे में, देन द फॉरेंसिक ऑडिट के बारे में, देन द सोशल ऑडिट के बारे में, देन इन सब के चेकलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ऑडिट के चेकलिस्ट के बारे में, सीएसआर ऑडिट के चेकलिस्ट, टेक ओवर ऑडिट के चेकलिस्ट, इनसाइडर ट्रेडिंग ऑडिट के चेकलिस्ट, इंडस्ट्रियल लेबर लॉ ऑडिट के चेकलिस्ट, साइबर ऑडिट के चेकलिस्ट, इन्वायरमेंट ऑडिट के चेकलिस्ट, इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के ऑडिट रिलेटेड चेकलिस्ट, फॉरेंसिक ऑडिट रिलेटेड चेकलिस्ट एंड सोशल ऑडिट रिलेटेड चेकलिस्ट। दीज आर द चेकलिस्ट। इस चेकलिस्ट को कवर करने के बाद इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। दैट्स इस चैप्टर में इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं। चैप्टर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 विच डील्स विद द टाइप्स ऑफ ऑडिट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट के बारे में। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट में सबसे पहले चेक करेंगे कि प्रोवाइड अश्योरेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट अश्योरेंस प्रोवाइड करवाता है कि टू द वेरियस स्टेक होल्डर्स डेट द ऑल द रिक्वायर्ड गवर्नेंस एक्टिविटीज हैव बीन कंप्लाइड बाय द अकम्प्लिश बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेक होल्डर्स। इंश्योर करते हैं जस्ट अ सेकेंड स्टेक होल्डर्स इंश्योर करते हैं कि कंपनी कंप्लाई कर रही है ऑल द गवर्नेंस एंड एथिकल प्रिंसिपल से। कॉर्पोरेट गवर्नर डील करता है फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट के बारे में। गवर्नेंस वर्ड जब भी माइंड में आता है तो तीन चीज़ें सबसे पहले आती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस वर्ड जब भी माइंड में आता है फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, डिस्क्लोजर एंड शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट। ये पाँच चीज़ें तो माइंड में आती ही आती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्कोप ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट का स्कोप क्या क्या है। इसमें फाइनेंशियल और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को चेक करते हैं, राइट ऑफ द स्टेक होल्डर्स के बारे में ऑडिट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन, इंडिपेंडेंसनेस को चेक किया जाता है, रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक प्लान, प्रोग्राम एंड गाइडलाइंस को चेक करते हैं, रोल ऑफ द ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी का क्या रोल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट में। ऑडिट कमेटी का क्या रोल है, ऑडिट कमेटी ओवरव्यू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, इंश्योर डेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड रिव्यू करती है मैनेजमेंट के मैनेजमेंट को एंड क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एंड मेक द रिकमेंडेशन। ऑडिट कमेटी रिकमेंडेशन देती है ऑन द अपॉइंटमेंट एंड रिकमेंडेशन एंड टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर। वैल्यूएशन एंड अंडरटेकिंग ऑफ द असेट्स को हम चेक करते हैं इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट में। रिव्यू एंड मॉनिटर द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस एंड इवेल्युएट द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स को एंड रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ द विसल ब्लोअर मैकेनिज्म। नेक्स्ट बात करते हैं ये पूरा था सी एस आर ऑडिट के बारे में। दिस आर द प्रोविजन फॉर द सी एस आर ऑडिट के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं सी एस आर सॉरी दिस दिस वॉज द प्रोविजन फॉर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट। नेक्स्ट बात करते हैं सी एस आर ऑडिट के बारे में। सी एस आर ऑडिट सेक्शन नंबर 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट डील विद द सी एस आर के बारे में बात करते हैं। सी एस आर किस किस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूट सेक्शन। ऐसी कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ मोर है, टर्नओवर 1000 करोड़ मोर, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ मोर, उस कंपनी के ऊपर सेक्शन नंबर 130, नेटवर्थ 500 करोड़ मोर, टर्नओवर 1000 करोड़ मोर, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ एंड मोर ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में है, तो उस कंपनी में सेक्शन नंबर 135 एप्लीकेबल हो जाता है। उस कंपनी को 3 और मोर डायरेक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट करना होता है, एक कमेटी बनानी होती है
जिसको CSR कमेटी बोलते हैं, उसमें 3 or more डायरेक्टर होंगे एंड एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए उसमें। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो सिर्फ 2 ही डायरेक्टर होंगे तो चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, CSR कमेटी को CSR पॉलिसी अडॉप्ट करना है एंड डेवलप करना है CSR रोड मैप एंड स्पेंड करना है एटलीस्ट 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। 2% आपको इन्वेस्ट करना है इन दी पर्सुएंस ऑफ CSR पॉलिसी, और इन दी पर्सुएंस ऑफ द CSR पॉलिसी, और जो आपकी CSR पॉलिसी होगी वो Schedule 7 ऑफ द कंपनी सेक्ट के हिसाब से होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, पर्पस ऑफ CSR ऑडिट, CSR ऑडिट का पर्पस क्या है, CSR ऑडिट हम क्यों करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ये चेक करने के लिए कि जो लाइफ साइकिल ऑफ CSR प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है एंड द फाइनली लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है एंड फाइनेंशियल रिव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट्स एंड यूनिफॉर्म बजट्स के बारे में एंड इवेलुएट द इंटरनल कंट्रोल एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क के बारे में, प्रोवाइड द ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म टू ओवरसी द एक्टिविटी ऑफ द कंपनी एंड इंश्योर करते हैं ये कंपनी कंप्लाई कर रही है कंपनीज एक्ट्स के Section 135 के प्रोविजन से कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है। इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए सोशल परफॉर्मेंस कैसा है कंपनी को, इन चीज़ों को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं Section 135 CSR ऑडिट करवाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट बात करते हैं टेक ओवर ऑडिट के बारे में, टेक ओवर ऑडिट क्या क्यों करते हैं, टेक ओवर इसलिए करती है कंपनीज एक्ट कंपनी सेक्टर कंप्लाई कर रही है नहीं कर रही है सभी SST रेगुलेशन से, सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स टेक ओवर रेगुलेशन 19/2011 को कंप्लाई कर रही है नहीं कर रही है एंड रिगार्डिंग द डिस्क्लोजर ऑफर प्राइस प्राइसिंग एक्सेट्रास्क डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अंडर द कंटिन्यूस डिस्क्लोजर इवेंट बेस्ड डिस्क्लोजर एंड अनकंबर्ड शेयर्स का डिस्क्लोजर, दिस आर द पॉइंट फॉर द टेक ओवर ऑडिट। नेक्स्ट बात करते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग ऑडिट के बारे में, इनसाइडर ट्रेडिंग ऑडिट में क्या, इनसाइडर ट्रेडिंग ऑडिट बताता है कि चेक द कंप्लाइंसेस ऑफ द सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015, चेक द इनिशियल डिस्क्लोजर इन कंटिन्यूअस डिस्क्लोजर, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग ऑडिट में चेक करते हैं। नेक्स्ट ऑडिट है इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ ऑडिट, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ ऑडिट का मतलब होता है हम ये देखते हैं कि कंप्लायंस ऑफ द मैनेजमेंट विद जो मैनेजमेंट है वो लेबर लॉ एम्प्लॉयमेंट लॉ इंडस्ट्रियल लॉ को कंप्लाई कर रही है नहीं कर रही है एंड डिटेक्ट करते हैं डिटेक्ट करते हैं नॉन कंप्लायंस ऑफ द लेबर लॉस एंड एम्प्लॉयमेंट लॉस एंड टेक द करेक्टिव एक्शंस आफ्टर द डिटेक्शन एंड प्रमोट करते हैं कार्डिनल रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स, कार्डिनल रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स लीड्स टू द बेटर कॉर्पोरेट वैल्यू क्रिएशन एंड लेबर लॉ ऑर्डर बेस्ड ऑन द ह्यूमन वैल्यूज पर डिपेंड करता है, ह्यूमन वैल्यूज के राइट्स ऑन द वर्कमैन। नेक्स्ट बात करते हैं साइबर ऑडिट के बारे में, साइबर ऑडिट ऑडिट किस लिए करते हैं, साइबर ऑडिट करते हैं टू अवॉइड द साइबर सिक्योरिटी रिस्क को अवॉइड करने के लिए एंड टू एक्सेस द साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। स्कोप क्या है साइबर ऑडिट, साइबर ऑडिट में एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं, और साइबर ऑडिट में डेटा सिक्योरिटी पॉलिसीज के बारे में, डेटा लॉस प्रिवेंशन मेजर्स के बारे में, इन सब चीज़ों को चेक करते हैं एंड साइबर ऑडिट में डिटेन डिटेक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ द सिस्टम डिप्लेड सिक्योरिटी कंट्रोल इस्टेब्लिश इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेड की नहीं है, डिसमिनेशन ऑफ द साइबर सिक्योरिटी ऑडिट प्रोसेस थ्रू द मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल ऑडिट। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वायरमेंटल ऑडिट के बारे में, इन्वायरमेंटल ऑडिट के बारे में, इन्वायरमेंटल ऑडिट में हम सबसे पहले इन्वायरमेंटल ऑडिट का मतलब होता है कि इट इंक्लूड द ऑडिट ऑफ द इन्वायरमेंटल कंप्लाइंस, इट इंक्लूड द ऑडिट ऑफ द इन्वायरमेंटल कंप्लाइंस ऑडिट एंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट। इन्वायरमेंटल ऑडिट में दो चीज़ चेक करते हैं, एक तो इन्वायरमेंटल कंप्लाइंस ऑडिट एंड इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट। इन्वायरमेंटल ऑडिट का मतलब होता है कि वेरीफाई करना असेसमेंट वेरीफाई एंड असेसमेंट ऑफ द इन्वायरमेंटल मेजर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंश्योर करना कंप्लाइंस विद द वेरियस रेगुलेशन ऑफ द इन्वायरमेंट विच इज एप्लीकेबल ऑन द कंपनी एंड इवेलुएट करना इफेक्ट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द मैनमेड मशीन एंड मटेरियल एंड आइडेंटिफाई करना एनवायरमेंटल रिस्क लाइबिलिटीज एंड वीकनेस। नेक्स्ट बात करते हैं स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल ऑडिट, इन्वायरमेंटल ऑडिट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, सबसे पहला इनिशिएटिव टेकन टू प्रिवेंट द पोल्यूशंस एंड कंजर्वेशन ऑफ द रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द वॉयलेटिंग द इन्वायरमेंटल लॉस को वॉयलेट किया तो उससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं एंड कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द वेरियस लाइबिलिटी इम्पोज बाई द गवर्नमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट
ऑर्गेनाइजेशन में हो, इट इज़ अ ऑर्डर टू इंश्योर द कंप्यूटर सिस्टम को इंश्योर करने के लिए कि प्रोटेक्ट द डेटा, डेटा प्रोटेक्ट है, जो भी इंफॉर्मेशन है कंपनी की इंफॉर्मेशन, कंपनी की एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन, पब्लिक की इंफॉर्मेशन, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट करवाते हैं। मेंटेन द डेटा, मेंटेन द डेटा इंटीग्रिटी एंड कंप्लीट द एग्जामिनेशन, कंप्लीट द एग्जामिनेशन ऑफ द टारगेट सिस्टम्स एंड अंडरस्टैंड द एंड इवेलुएट द ओवरऑल कंट्रोल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का। इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट क्यों करवाते हैं? टू चेक द एडमिनिस्ट्रेशन, चेक द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन ऑफ द सर्विस सिस्टम एंड ट्रेनिंग ऑफ द मेंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन सर्विस फंक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट, इंटरनल ट्रेनिंग, चेक द एक्यूरेसी ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, चेक द एक्यूरेसी ऑफ द एक्सेस कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेंसिक ऑडिट के बारे में। फॉरेंसिक ऑडिट क्यों करवाते हैं? एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड फाइन एंड इलीगल एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी, स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग दी जाती है फॉरेंसिक ऑडिट के लिए। एंड फॉरेंसिक ऑडिट डन इन द टू फेज, टू फेज में फॉरेंसिक ऑडिट होती है। सबसे पहला आता है इन्वेस्टिगेशन फेज, नेक्स्ट आता है लिटिगेशन फेज। इन्वेस्टिगेशन फेज मतलब इन्वेस्टिगेशन इन टू द अफेयर ऑफ द कंपनी एंड आइडेंटिफाई द डिफेक्ट, जितनी भी डिफेक्ट्स है ऑर्गेनाइजेशन में उसको आइडेंटिफाई करना, फ्रॉड्स को अनअर्थ करना, निकालना ऑर्गेनाइजेशन से, इसी को कहते हैं फॉरेंसिक ऑडिट। नेक्स्ट आता है सेकेंड फेज में लिटिगेशन सर्विस। लिटिगेशन सर्विस मतलब जो भी हमने फ्रॉड्स को अनअर्थ किया, जो भी इन्फॉर्मेशन को हमने निकाला इन्वेस्टिगेट करने के बाद, जो भी फ्रॉड सामने आया उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना, प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट। लिटिगेशन सर्विसेज, इट लिटिगेशन सर्विस इट इज अ इफ द इफ अ फ्रॉड इज डिटेक्टेड एंड रिजॉल्व थ्रू द लीगल चैनल एंड फॉरेंसिक ऑडिटर गिव द लिटिगेशन सपोर्ट टू द एडवोकेट्स अबाउट द लिटिगेशन एंड कमर्शियल डिस्प्यूट अबाउट द लीगैलिटीज ऑफ द कमर्शियल डिस्प्यूट। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसीजर फॉर द इंटरन फॉरेंसिक ऑडिट। फॉरेंसिक ऑडिट के लिए प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले जो ऑडिटर होगा वो इन्वेस्टिगेशन एक्सेप्ट करेगा एंड प्लान करेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, गैदर करेगा इन्फॉर्मेशन एंड एविडेंसेस को एंड रिपोर्ट कर देगा, खत्म। एक्सेप्ट करेगा इन्वेस्टिगेशन, प्लान करेगा इन्वेस्टिगेशन के बारे में, उसके बाद फॉरेंसिक ऑडिट करेगा एंड रिपोर्ट करेगा एंड देन द कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद। नेक्स्ट बात करते हैं सोशल ऑडिट के बारे में। सोशल ऑडिट का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ वे ऑडिट, सोशल ऑडिट इज अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रिपोर्टिंग द अल्टीमेटली इम्प्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशन सोशल, ऑर्गेनाइजेशन की सोशल एंड एथिकल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हम इंटरनल ऑडिट, सॉरी सोशल ऑडिट करवाते हैं। एंड फॉर्मल रिव्यू ऑफ द कंपनी एंड वी अंडरटेक टू द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चेक करने के लिए एंड एड्रेस द इशू ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड पुअर ग्रुप ऑफ द होज वॉइस इज रियली अनहियर्ड या फिर रियली हियर्ड एंड इवेल्युएट द ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्वमेंट इन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज करने के लिए हम सोशल ऑडिट करवाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इम्पैक्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट के क्या क्या इम्पैक्ट, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं? सबसे पहले इम्पैक्ट ऑन द गवर्नेंस के ऊपर इम्पैक्ट आता है एंड प्रोवाइड वॉइस टू द स्टेक होल्डर्स एंड पुअर ग्रुप्स एंड एनहांस द लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नेंस को इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है लोकल गवर्नेंस का एंड एनहांस द लोकल गवर्नेंस एंड इंक्रीज द फेयरनेस अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी इन द लोकल बॉडीज एंड प्रमोट द डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है सोशल ऑडिट। इट इज़ अ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी। सोशल ऑडिट इज अ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी एंड क्रिएटिंग द अवेयरनेस, अवेयरनेस अबाउट द सर्विसेज अवेलेबल टू द बेनिफिशरीज एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द लोकल डेवलपमेंट्स एंड प्रोग्राम्स एंड स्क्रूटनाइजिंग द पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट। स्टेप्स फॉर द कंडक्टिंग द सोशल ऑडिट, सोशल ऑडिट्स करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले तो आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा पर्पस एंड गोल ऑफ द लोकल बॉडीज, लोकल बॉडीज का पर्पस एंड गोल्स क्या क्या है। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपके स्टेक होल्डर्स कौन कौन, आपके स्टेक होल्डर्स कौन कौन हैं एंड परफॉर्मेंस इंडिकेटर मस्ट बी अंडरस्टैंड, परफॉर्मेंस इंडिकेटर को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एंड रेगुलर मीटिंग टू द रिव्यू एंड ग्रुप एंड नेक्स्ट बात करते रेगुलर मीटिंग टू द रिव्यू एंड ग्रुप ऑफ ट्रस्टेड लोकल पीपल्स एंड फाइंडिंग द ऑडिट शेयर्ड विद ऑल द लोकल स्टेक होल्डर्स एंड क्रिएट द फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंटली। दैट्स इट फॉर द ऑडिट। ये था पूरा ऑडिट के बारे में। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ये हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ ऑडिट के बारे में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट, CSR ऑडिट, टेक ओवर ऑडिट, इनसाइडर ट्रेडिंग ऑडिट, ऑडिट वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं इन टाइप्स के और टाइप्स ऑफ ऑडिट में इनके चेकलिस्ट के बारे में। एक्चुअल में जब हम ऑडिट करने जाएंगे, जितने भी ऑडिट हमने समझे अभी, इन ऑडिट को हम जब करने जाएंगे तो इन सब चीज़ों में क्या क्या चीज़ें एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कंपनी में क्या चीज़ें चेक करने वाले हैं,
सबसे पहले आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट। जब हम चेक करने जाएंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, तो वहाँ पे हम फेयरनेस चेक करेंगे कंपनी का जो भी, चेक द ऑल द शेयर ओनर्स ट्रीटेड इक्वली, जितने भी शेयर होल्डर्स को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, प्रोसेस फॉर द इफेक्टिव रेजोल्यूशन सॉरी वॉयलेशन को रिजॉल्व करने के लिए इफेक्टिव रेजोल्यूशन प्रोसेस यूज़ कर रही है कंपनी या नहीं कर रही है। प्राइसिंग पॉलिसी से रिलेटेड चेक करेंगे, फेयर मार्केट पॉलिसी से रिलेटेड प्रैक्टिस कोड चेक करेंगे, अकाउंटेबिलिटी चेक करेंगे, ट्रांसपेरेंसी के रिलेटेड चेक करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करेंगे, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के बारे में चीज़ चेक करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं चेकलिस्ट फॉर द CSR ऑडिट। CSR ऑडिट में क्या क्या चेकलिस्ट है जो हम एक्चुअल में चेक करने वाले हैं, चेक करेंगे कंपनी में CSR कमेटी है, कंपनी ने CSR कमेटी बनाई है या नहीं बनाई है, CSR पॉलिसी कंपनी में है, उसको अप्रूव किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने या नहीं, एंड CSR कमेटी में रिकमेंडेशन दिया है कि नहीं, कितना अमाउंट स्पेंड करना है, CSR पॉलिसी को अपने बोर्ड रिपोर्ट में इंक्लूड किया है या नहीं है, कंपनी ने CSR, वेदर द कंपनी हैज CSR रूल, कंपनी ने CSR रूल्स फ्रेम किए नहीं किए, ये सारी चीज़ें हम CSR ऑडिट में चेक करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टेक ओवर ऑडिट में। टेक ओवर ऑडिट में सबसे पहले चेक करते हैं कि कंपनी ने टाइमली इंटीमेशन स्टॉक एक्सचेंज को दिया ही नहीं दिया। टेक ओवर रेगुलेशन को एग्जामिन करते हैं कि उनको कंप्लाई किया है कि नहीं किया आपने, एंड आइडेंटिफाई करते कैटेगरी ऑफ अक्वायरर को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड इफेक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ द होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर्स के बारे में, एंड इंश्योर द टाइमली डिस्क्लोजर मेड बाय द प्रमोटर्स के बारे में। दीज आर द थिंग्स विच हैव टू चेक ड्यूरिंग द टेक ओवर ऑडिट। नेक्स्ट बात करते हैं चेकलिस्ट फॉर द इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए क्या क्या चेकलिस्ट है, इनिशियल डिस्क्लोजर्स के बारे में, कंटिन्यू डिस्क्लोजर पॉलिसी फॉर डीलिंग विद द UPSI, ट्रेडिंग प्लान्स के बारे में, कंप्लाइंस ऑफिसर्स के बारे में, रेगुलेशन नंबर 6 बात करता है, कोड ऑफ द फेयर डिस्क्लोजर ऑफ द कंडक्ट के बारे में, रेगुलेशन नंबर 8 ऑफ द PIT रेगुलेशन बात करता है, ठीक है। दीज आर द थिंग्स विच ऑडिटर हैज़ टू चेक ड्यूरिंग द इनसाइडर ट्रेडिंग। नेक्स्ट बात करते हैं इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ ऑडिट में, आप क्या क्या चीज़ें चेक करोगे, कंपनी ने वेरियस इंडस्ट्रियल लॉज एंड लेबर लॉ को कंप्लाई किया है कि नहीं किया। लेबर लॉज में जैसे फाइंस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट एंड पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, दीज आर द लॉज ऑन एक्ट विच फॉर द लेबर लॉस। नेक्स्ट बात करते हैं चेकलिस्ट फॉर द साइबर सिक्योरिटी ऑडिट। साइबर सिक्योरिटी ऑडिट में हम क्या क्या चीज़ चेक करते हैं, साइबर सिक्योरिटी ऑडिट में सबसे पहले देखते हैं पर्सनल सिक्योरिटी चेक करते हैं, उसके बाद फिजिकल सिक्योरिटी, सबसे पहले फर्स्ट पर्सनल सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, अकाउंट्स एंड पासवर्ड्स के बारे में, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड डेटा के बारे में, एंड कंप्लाइंस ऑडिट के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं पर्सनल ऑडिट, जस्ट अ सेकेंड, पर्सनल सिक्योरिटी चेक करेंगे सबसे पहले इन केस ऑफ साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी ऑडिट, पर्सनल सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, अकाउंट्स एंड पासवर्ड मैनेजमेंट्स एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट बात करते हैं चेकलिस्ट फॉर द इन्वायरमेंटल लॉस के लिए, चेकलिस्ट फॉर द इन्वायरमेंटल लॉस। इन्वायरमेंटल लॉस में एयर प्रोवेंशन कंट्रोल एक्ट चेक करेंगे, फैक्ट्रीज एक्ट चेक करेंगे, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, पॉइजन एक्ट, इन्वायरमेंट पोल्यूशन एक्ट, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट एंड इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, वाटर प्रोवेंशन कंट्रोल एक्ट, ISO 14001, दिस इज द गाइडलाइंस फॉर द वॉलंटरी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स के लिए। ये चीज़ चेक करेंगे कि आपने इन गाइडलाइंस या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉर द इन्वायरमेंट्स के लिए आपने कंप्लाई किया है या नहीं किया है। देन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड ISO डिफाइन द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम एंड यूज टू मैनेज द इन्वायरमेंटल आस्पेक्ट्स एंड प्रोवाइड द हाईली इफेक्टिव ग्लोबल एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क फॉर द एफिशिएंट इफेक्टिव इन्वायरमेंट मैनेजमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं चेकलिस्ट फॉर द फॉरेंसिक ऑडिट। फॉरेंसिक ऑडिट में क्या क्या चीज़ चेक करते हो, चेक करते हो फ्रॉड एंड एरर को डिटेक्ट करते हो एट द मैनेजमेंट लेवल और एम्प्लॉय लेवल, एंड रीजन एंड मोटिव बिहाइंड द फ्रॉड, क्यों था किया था आपने फ्रॉड, एंड चेक द इंटरनल चेक ऑन द कैश ट्रांजेक्शन एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द फ्रॉड, एसेट्स में मिसअप्रोप्रिएट किया या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड किया है। दीज आर द चेकलिस्ट फॉर द ऑडिट। नेक्स्ट ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 के बारे में। चैप्टर नंबर 12 बात करता है ऑडिट एंगेजमेंट के बारे में। चैप्टर नंबर 12 दिस दैट वॉज अ चैप्टर नंबर 11। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 ऑफ द ड्यू डिलीजेंस सेक्टर ऑडिट कंप्लाइंस मैनेजमेंट ड्यू डिलीजेंस। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 ऑडिट एंगेजमेंट। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इस चैप्टर के ओवरव्यू के बारे में पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में एक्चुअल में हम पढ़ने के बारे में, देन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, देन इस चैप्टर को करेंगे स्टार्ट।